साल की तरह इस साल भी लगभग हर एक सेगमेंट में कई नई गाड़ियां लॉन्च होने वाली है। वही इस समय देश में जिस सेगमेंट की कार्स को सबसे ज्यादा पसंद किया जा रहा है वो है मिड साइज एसयूवी सेगमेंट। ज्यादा तो लोग अब मिड साइज एसयूवी खरीदना पसंद कर रहे हैं और इस सेगमेंट में ह्युंडई क्रेटा पिछले काफी समय से देश में सबसे ज्यादा बिकने वाली कार बनी हुई है, लेकिन अब इस कार को टक्कर देने के लिए इस साल मार्केट में 3 नई एसयूवीज एंट्री करने वाली है। तो स्वागत है आप सभी लोगों का ऑटोनेस पर, मैं हूं आपके साथ मनीषा और आज की इस वीडियो में मैं आपको इन तीनों ही अपकमिंग एसयूवीज के बारे में बताने जा रही हूं। तो चलिए वीडियो की करते हैं शुरुआत, बस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा आप हमारे साथ। सिट्रोएन C3 एयरक्रॉस। फ्रांस ऑटोमेकर कंपनी सिट्रोएन अपनी C3 एयरक्रॉस एसयूवी को इस महीने 27 अप्रैल को लॉन्च करने वाली है। ये कार कंपनी के सी क्यूब्ड प्रोग्राम के तहत आएगी और इसकी लंबाई करीब 4.2 मीटर होने की उम्मीद है। वहीं ये कार 5 और 7 सीटर कॉन्फ़िगरेशन में अवेलेबल होगी। इसमें C3 हैचबैक वाले CMP मॉड्यूलर प्लेटफॉर्म पर ही इसको बनाया जाएगा। अब बात करें इसके इंजन की तो इसमें एक 1.2 लीटर 3 सिलेंडर टर्बो पेट्रोल इंजन मिलेगा जो कि 110 bhp की पावर और 190 Nm का टॉर्क जनरेट करने में केपेबल होगा। न्यू होंडा एसयूवी। होंडा भी एक नई मिड साइज एसयूवी को इंडियन मार्केट में जून 2023 में पेश करने वाली है। कंपनी इस मेड फॉर इंडिया मॉडल को अपनी सिटी सेडान वाले प्लेटफॉर्म पर ही तैयार करेगी। वहीं इसके डिजाइन एलिमेंट्स कंपनी के ग्लोबल मॉडल से मिलते जुलते होंगे। पावर ट्रेन की बात की जाए तो इस एसयूवी में एक 1.5 लीटर IVTEC पेट्रोल इंजन मिल सकता है जो कि 121 bhp की पावर जनरेट करता है। इसी के साथ इसमें 6 स्पीड मैनुअल या CVT गियरबॉक्स का ऑप्शन भी मिल सकता है। साथ ही इसमें एक मजबूत हाइब्रिड सिस्टम के साथ 126 bhp की पावर जनरेट करने वाला एटिंगसन साइकिल 1.5 लीटर पेट्रोल इंजन भी मिल सकता है जो कि कंपनी अपनी होंडा सिटी में पहले से ही देती है। इसी के साथ कंपनी इसे अटैच फीचर के साथ भी पेश कर सकती है। किया सेल्टॉस फेसलिफ्ट। किया मोटर्स भी इस साल के मिड में अपनी फेसलिफ्टेड सेल्टॉस एसयूवी को लॉन्च करने वाली है। फेसलिफ्टेड सेल्टॉस का डिजाइन, इंटीरियर और हुड में हमें कई बदलाव देखने को मिल सकते हैं। बात करें इंजन की तो इस एसयूवी में 120 bhp की पावर जनरेट करने वाला 1.4 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन की जगह अब एक नया 1.5 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन दिया जाएगा। ये इंजन 160 bhp की पावर और 253 Nm का टॉर्क जनरेट करने में सक्षम होगा। वहीं बात करें ट्रांसमिशन की तो इसमें मैनुअल और ऑटोमेटिक गियरबॉक्स दोनों ऑप्शन हमें देखने को मिल सकते हैं। इसी के साथ कंपनी मौजूदा 1.5 लीटर पेट्रोल और 1.5 लीटर टर्बो डीजल इंजन ऑप्शन को भी इसमें जारी रखेगी। वहीं ये कार भी एडैप्ट सिस्टम के साथ लॉन्च हो सकती है। तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में हमारे साथ जरूर शेयर कीजिएगा कि क्या इन तीनों ही गाड़ियां लॉन्च होने के बावजूद भी आप क्रेटा को ही खरीदना पसंद करेंगे या फिर इनमें से कोई एक गाड़ी आपको ज्यादा बेहतर ऑप्शन लगती है अपने लिए। बाकी आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों परिवार वालों के साथ शेयर करें और ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे चैनल को आज के आज सब्सक्राइब करें।